जी सर बिल्कुल आ रही है क्लियर है सर ओके ओके थैंक यू अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें हमने कल लेजर्स पढ़े थे कि हमने जर्नल एंट्री से लेजर्स कैसे बनाने ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी असाइनमेंट भेज दी थी मैंने असाइनमेंट नंबर दी थी आपको थ्री पॉइंट थ्री जो जर्नल एंट्रीज थी इसका हमने मैंने आपको कहा था कि आपने इस पे आ, करने इसके लेजर्स बनाने रिमेनिंग लेजर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना के भेजे तो उनको फिर मैंने सोलूशन भी रात को इसमें एडअप कर दिया था अब उस सोलूशन में यह है कि अब आप लोगों को काफ़ी हद हाँ तक क्लियर हो गया कि ये कैसे करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माशाला काफ़ी अच्छा किया ठीक है तो आज हम फर्दर उससे आगे प्रोसीड करेंगे ठीक है कि हमने आगे फर्दर कैसे लेके चलना है अब हमारे पास जो आ, आज क्वेश्चन है हम क्वेश्चन नंबर 3.4 है इसके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और ये मैं आपको सिखाता हूँ आज के आपने फिर वन बाय वन अब कैसे बनाने पहले तो कल हमने ने एक लेजर अकाउंट बनाया फिर उसके हमने सारे ट्रांजैक्शन जैसे कैश बनाया तो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस हमने उसमें लिख दी डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे क्लोज कर दिया ठीक है इसी तरह कैपिटल का अकाउंट बनाया फिर हमने बैंक का बैंक का अकाउंट बनाया परचेज का अकाउंट बनाया अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सारे अकाउंट्स वन बाय वन की बजाय इकट्ठे बनाने पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे ठीक है तो आ, अभी यहाँ देखें हमने सबसे पहले यहाँ पर जब अकाउंट्स बनाने हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखें ट्रांजैक्शन ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है दिस एक्सरसाइज इज 3.4 और जर्नल एंट्रीज हमने पहले ही मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया था और इसको पहले ही आपको करवा दी थी जिन स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट भेजी थी ये करके उनको मैंने कुरेक्शन भी करवा दी थी अब नॉर्मली उसमें जो रॉन्ग ट्रांजेक्शन की हुई है स्टूडेंट्स ने वो ये सेवंथ वाली रोंग ट्रांजेक्शन है ठीक है सेवंथ वाली जो रोंग ट्रांजेक्शन है वो क्यों रोंग की हुई है उन्होंने कि ये वाली ट्रांजेक्शन ये थी कि ऑनर टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज ठीक है आपको पता है कि जब भी ऑनर कोई चीज बिजनेस से लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज ठीक है तो उसको हम कहते हैं कि ऑनर ने क्या किया है ऑनर ने वहां से बिजनेस से ड्राइंग्स करवाई हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द ड्राइंग्स ठीक है अब ये जो ड्राइंग्स होती हैं ड्राइंग्स ड्राइंग्स जो होती हैं ये बेसिकली डिक्रीज होता है किस में आपके कैपिटल में ठीक है दिस इज नोन एज डिक्रीज इन कैपिटल तो डिक्रीज इन कैपिटल जो होता है उसको हम क्या करते हैं उसको हम डेबिट करते हैं लेकिन कैपिटल डेबिट करने की बजाय हम क्या करते हैं हम उसमें ड्राइंग्स अकाउंट uh, को डेबिट कर देते हैं ठीक है जब ऑनर गुड्स लेके जाता है ठीक है उसने इस दफा क्या किया है कैश नहीं लेके गया अगर कैश बिजनेस से लेके जाता है तो कैश बिजनेस की कम हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं ठीक है अगर ऑनर क्या करता है बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे विदड्रॉ कर लेता है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है तो हम उसको भी क्रेडिट कर लेते हैं ठीक है लेकिन इस दफा उसने क्या किया ऑनर ने गुड्स लेके बिजनेस में से चला गया ठीक है तो गुड्स जब परचेज की जाती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं दीज आर रिकॉर्डेड इन परचेजेज When bought. जब आप गुड्स को परचेज करते हैं तो आप परचेजेज में उसको रिकॉर्ड किया होता है तो जब आप उसको विड्रॉ करेंगे उसमें से विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो परचेजेज आपकी क्या हो जाएंगी आप क्रेडिट क्या कर देंगे जब वो ड्राॅइंग होंगी तो आपकी गुड्स जो है वो बिजनेस में से क्या हो रही हैं रिड्यूस हो रही हैं गुड्स जो है उनको आपने कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है परचेजेज में रिकॉर्ड किया हुआ है तो आप बजाय इसके कि यहां पर कोई और चीज को क्रेडिट करें ठीक है आप क्या करते हैं यहां पर परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो क्या बनती है डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट और क्रेडिट परचेजेस अकाउंट ठीक है <coughs> अच्छा उसके बाद हमारे पास <coughs> अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने नेक्स्ट यहाँ पर ना ये वाली एक एंट्री थी बच्चों की नॉर्मली गलती जो मैंने आपको करेक्ट करवा दी है ठीक है अब हम क्या करते हैं हम इसके ना लेजर्स लेजर अकाउंट्स बनाते हैं ठीक है लेजर्स हम बनाते हैं लेजर्स फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट फोर ठीक हो गया अब यहाँ पर जब लेज़र्स अकाउंट बनाएंगे तो आपने क्या फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ट्रांजेक्शन देखें उसमें कैश है कैश का अकाउंट बना लें इसको आप लेजर का वन नंबर दे दें दे ताकि ये इजी हो जाए आगे कैलकुलेशंस जब हम करेंगे तो हमारे लिए इट बिकम्स इजी टू मैनेज ठीक है अब इसमें देखें हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल कैश कैश का लेजर बनाएंगे ठीक है दूसरे नंबर पर हमारे पास है बैंक ठीक है तो हम बैंक का अकाउंट भी बना लेते हैं यहां पर थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है कैपिटल हम कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं ये तीन अकाउंट कल भी हमने बनाए थे ठीक है अब दोबारा हम अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में बना रहे हैं। आप देखें हमारे पास यहां पर जब हम इसकी कैलकुले जब हम इसको पुट करेंगे तो सबसे पहले आप देखें कि कैश हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड पे इस अमाउंट को लिखेंगे डेबिट साइड पे हम इस अमाउंट को लिखते हैं सेवन थाउजेंड से ठीक है और हमारे पास क्रेडिट रेफरेंस यहां पर क्या है कैपिटल हम कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो देखें क्या है सेकंड में हम यहाँ पर ना कैश की ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं जी कैश हमारे पास कितनी आई है ठीक है कैश अगर हमारे पास देखते हैं तो कैश हमारे पास कौन कौन सी है कैश एक ये ट्रांजैक्शन है सेकंड ट्रांजैक्शन जो है उसमें जो फर्स्ट जनवरी टू को जो सेकेंड परचेजेस की ट्रांजेक्शन है इसमें कैश क्रेडिट हो रही है जहां पर कैश क्रेडिट हो रही है हम उसको भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं ठीक है कैश क्रेडिट हो रही है तो कैश क्रेडिट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी क्रेडिट साइड पे फाइव थाउजेंड से अब उसका डेबिट रेफरेंस क्या है डेबिट रेफरेंस है परचेजेस ठीक है हमने परचेजेस की फाइव थाउजेंड की और उसके लिए हमने कैश पे कर दी और ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी सेवन थाउजेंड की सेवन थाउजेंड की इन्वेस्टमेंट मीन कैश इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट हो रही है अच्छा उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री सेकेंड जनवरी है उसमें हमारे पास ये जो सेकेंड पे एंट्री है इसमें कैश इन्वॉल्व है जिसमें कैश टू थाउजेंड डेबिट हो रही है ये टू थाउजेंड डेबिट क्यों हो रही है क्योंकि हमारे पास ये सेल्स आ रही है तो हम यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस लिख देंगे कि ये हमारे पास सेल्स हैं ठीक है सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड को ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें डेबिट साइड पे कैश आ रहा है कैश किधर साइड पे आ रहा है डेबिट साइड पे तो कैश को हमने डेबिट साइड पे लिखना है डेबिट हो रही है कैश कितने से अमाउंट से वन थाउजेंड आप यहाँ वन थाउजेंड लिख दें और क्रेडिट में इसका क्रेडिट रेफरेंस लिख दें डिटेल में ठीक हो गया ये भी आपकी सेल्स हुई है थर्ड को कैश सेल्स उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ को ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है फाइव में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें एक जगह पर इन्वॉल्व है जो सेकंड ट्रांजैक्शन हुई है That you received cash फ्रॉम के जॉर्ज अब ये जो के जॉर्ज था ये आपका था रिसीवेबल ठीक है आपने इससे पैसे लेने थे ये ट्रेड रिसीवेबल था आपका इसने आपने पैसे ले लिए जब आपने कैश ली तो कैश आपकी डेबिट होगी कितने से 300 से और डेबिट क्रेडिट रेफरेंस में क्या लिखा के जॉर्ज के जॉर्ज क्या आपका रिसीवेबल है आपने यहां पर उसका क्रेडिट रेफरेंस दे दिया उसके बाद नीचे वाली दोनों ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है ठीक है ये कैश का अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया ठीक है इसके बाद हमारे पास सेकेंड अकाउंट है बैंक का ठीक है जो बैंक का अकाउंट है उसमें देखें हमारे पास बैंक बैलेंस कहाँ कहाँ पर बैंक आ रहा है बैंक यह कर रहा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जब ऑनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारे पास डेबिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे इस अमाउंट को कितनी अमाउंट है एट थाउजेंड ठीक है और रेफरेंस क्या लिखेंगे या हम डिटेल में क्रेडिट रेफरेंस यहां देंगे दैट इज द कैपिटल ठीक हो गया अच्छा इसके बाद हम सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं बैंक की ट्रांजेक्शन कहां हुई है फर्स्ट जनवरी को जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है जो हमारे पास सेकेंड जनवरी को ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनमें भी बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सिमिलरली आपकी इन्वॉल्वमेंट थर्ड वाले में भी नहीं है और आप इसी तरह ट्रांजेक्शन जो फोर्थ जनवरी uh, को हुई थी उसमें भी बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिफ्थ में भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सिक्सथ में भी कोई नहीं है और सेवंथ ट्रांजेक्शन में भी कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है देर आर नो अदर एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक ठीक है फिर हम कैपिटल के अकाउंट्स बनाते हैं कैपिटल में देखें हमारे पास नेक्स्ट है कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है कितने से क्रेडिट हो रहा है हम क्रेडिट साइड पे यहाँ पर लिखेंगे सेवन थाउजेंड से क्रेडिट हो रहा है सेवन थाउजेंड से क्रेडिट हो रहा है तो हमारे पास इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है मतलब रेफरेंस क्या है रेफरेंस क्या है ये सेवन थाउजेंड हमारे पास कैश आया है ठीक है सेवन थाउजेंड की अमाउंट है और हम उसमें क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेबिट रेफरेंस यहाँ पर देंगे क्योंकि डेबिट साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर कैश क्या हो रही है डेबिट हो रही है सिमिलरली हमारे पास कैपिटल क्रेडिट हो रहा है <coughs> कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है एट थाउजेंड से तो हम क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एट थाउजेंड लिखेंगे और साथ में हम डेबिट रेफरेंस लिख देंगे डेबिट रेफरेंस में हमारे पास ऊपर देखें यहाँ पर बैंक अकाउंट गिवन है ठीक है तो यहाँ पर बैंक का रेफरेंस देंगे अब इसको अगर रीड करेंगे तो हमारे पास क्या है कैसे रीड करेंगे कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और कैपिटल जब भी क्रेडिट होता है इसका मतलब है कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में ठीक है तो पहली दफा कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है वो हमारे पास हुआ है सेवन थाउजेंड से और हमने उसका रेफरेंस दिया कैश ठीक है इसका मतलब है कि ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है ठीक है दूसरी जो हमारे पास दूसरी दफा जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो एट थाउजेंड से हो रहा है इस एट थाउजेंड का मतलब ये है कि जो बैंक बैलेंस है आ, वो बैंक ऑनर ने जो है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए ठीक है इस दैट क्लियर अब यहाँ पर देखें अब ये हमारा कैपिटल का अकाउंट हो गया आप नीचे जितनी ट्रांजेक्शन है उनमें देख लें कहीं पर भी कोई कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ऑनर कर रहा इसका मतलब है कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज भी आपकी खत्म हो गई हैं, फिर आपके पास जो थर्ड फोर्थ अकाउंट है फोर्थ नंबर पे वो फोर्थ अकाउंट आप बना लेते हैं इसके बाद है परचेजेस, परचेजेज का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर हम परचेजेस का अकाउंट सिमिलर वे में बनेगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड और हम उसको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ठीक है अभी देखें जो पहला है उसमें देखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपकी आई है उसमें जो फर्स्ट को ट्रांजेक्शन हो रही है ये फाइव थाउजेंड की ये फाइव थाउजेंड आपके परचेजेस डेबिट हो रही हैं तो परचेजेस के अकाउंट में हम फाइव थाउजेंड डेबिट साइड पे लिख देंगे और रेफरेंस हम क्रेडिट का देंगे क्रेडिट रेफरेंस देखें तो वो क्या है कैश कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है कैश को हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे उसके बाद परचेजेस हमारे पास आ रही हैं सेकेंड जनवरी की ट्रांजेक्शन में कितने की परचेजेस हैं थ्री थाउजेंड की वो हमने परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख ली <laughs> और क्रेडिट रेफरेंस क्या है आर डेविड जो आर डेविड है ये आपका है पेबल जिन लोगों से आप परचेजेस करते हैं क्रेडिट पे परचेज करते हैं दे आर योर ट्रेड पेबल्स दे आर योर ट्रेड पेबल्स तो आपने यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर भी आपने यहाँ पर रेफरेंस जो लिखना है वो पेबल्स का रेफरेंस लिख देना है ठीक है सिमिलरली आप क्या करेंगे आगे परचेज देखते जाए परचेज की कौन सी एंट्री है सेकेंड में और परचेजेस हुई नहीं है थर्ड में कोई परचेजेज नहीं हुई फोर्थ जनवरी uh, को भी कोई परचेजेस नहीं हुई इसी तरह आपकी फिफ्थ जनवरी को भी कोई परचेजेस नहीं हुई ठीक है और आपकी जनवरी, सिक्स जनवरी और फिफ्थ जनवरी और सेवन जनवरी अच्छा तो फाइव और सिक्स में कोई परचेजेस नहीं हो रही लेकिन जो सेवन है उसमें ड्राइंग्स हुई हैं जिसमें परचेजेस हमारे पास क्रेडिट गई है कितने से फोर हंड्रेड से तो हम परचेजेज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे फोर हंड्रेड लिख देंगे डेबिट रेफरेंस क्या देंगे डेबिट रेफरेंस में हमारे पास ड्राइंग्स ड्राइंग्स, डेबिट डेबिट आ आ जाएंगी, ठीक है? ये ये हमारे पास गई हमारा परचेजेस का अकाउंट भी हो गया उसके बाद हमारे पास कैश आती है कैश का अकाउंट हम पहले ही बना चुके हैं दोबारा नहीं बनाएंगे उसके बाद हमारे पास आर डेविड है आर डेविड जो है वो हमारे पास पेबल है तो हम ट्रेड पेबल्स का एक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर फाइव नंबर ट्रेड पेबल्स ठीक है इनका अकाउंट हम बना लेते हैं ट्रेड पेबल्स का अब उसमें देखें हमारे पास जो ट्रेड पेबल्स हैं ट्रेड पेबल्स हमारा सबसे पहले आया है डेविड आर डेविड आर डेविड का अकाउंट पे क्रेडिट हो और हैं आपने पेबल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिख देनी है थ्री थाउजेंड ठीक है अब ये अमाउंट आपने थ्री थाउजेंड लिख दी अब यहाँ पर देखें कि इसका डेबिट रेफरेंस क्या है डेबिट रेफरेंस है परचेजेस तो आप यहाँ पर परचेजेस लिख देंगे इसका मतलब है कि आपने थ्री थाउजेंड की परचेजेस की हैं क्रेडिट पे ठीक है और आठ डेबिट से की हैं नाम में सेपरेट अकाउंट नहीं बना रहा पेबल्स का एक ही अकाउंट बना रहा हूँ ठीक है उसके बाद देखें पेबल्स कहाँ कहाँ हैं उसके बाद वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैश सेल्स हुई है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पेबल की उसके बाद आप देखें तो थर्ड में थर्ड में भी पेबल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फोर्थ ट्रांजेक्शन में देखें तो जो डेबिट डेबिड है उसने क्या किया है कुछ रिटर्न कर दी है चीजें तो यहाँ पर पेबल्स क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं ठीक है थीके? आपको परचेज रिटर्न हो गई हैं तो डेविड हमारे पास क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से हो रहा है 400 से ये हमारे पास पेबल्स रिड्यूस हो जाएंगे और क्रेडिट रेफरेंस में हम यहां पर क्या लिखेंगे परचेज रिटर्न के हमारे पास पेबल्स डेबिट हुए हैं जो हमारे पास आर डेबिट था अगर आप आर डेबिट का अकाउंट सेपरेट भी बना लें तो वो भी ठीक है के आर डेबिट का अकाउंट आप सेपरेट बना लें ठीक है उसके बाद आपके पास देखें कि परचेजेस से रिलेटेड क्रेडिट और परचेजेस हुई नहीं है ठीक है ना ही परचेज रिटर्न हुई है तो इसका मतलब है कि पेबल्स का अकाउंट भी आपका इतना ही बनेगा <coughs> अच्छा परचेजेस के बाद कैश का अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं दोबारा नहीं बनाएंगे सेल्स का अकाउंट हमने नहीं बनाया सेल्स का अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं ठीक है फाइव अकाउंट्स हमारे पास लेजर्स हो गए सिक्स हमारा लेजर होगा सेल्स का ठीक है अब सेल्स अकाउंट देखें सेल्स हमारे पास यहां पर हो रही है क्रेडिट ठीक है सेल्स क्या हो रही है क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे अमाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है टू थाउजेंड से यह अमाउंट आपने लिख दी डिटेल में क्या देंगे यहां पर जो डिटेल होती है डिटेल में आप डेबिट रेफरेंस बताएंगे कि ये आपने सेल्स की हैं तो किस में की हैं तो अगर आप इसमें की डिटेल में देखें तो कैश डेबिट हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप रेफरेंस दे देंगे कैश का इसका मतलब है आपने सेल्स की किस में कैश में कैश सेल्स हैं इसी तरह जो थर्ड ट्रांजेक्शन थर्ड जनवरी की ट्रांजेक्शन है उसमें सेल्स चेक करें सेल्स क्रेडिट हो रही हैं कितने से वन थाउजेंड से आप ये वन थाउजेंड की अमाउंट यहां पर अकाउंट में लिखें, ठीक हो गया और अब आपने क्या करना है जब आप ये अमाउंट लिख लेंगे उसके बाद आपने इसको क्या करना है डेबिट रेफरेंस लिखना है डेबिट रेफरेंस क्या है इसका कैश इसका मतलब है थर्ड को भी आपने कैश सेल्स कर दी है वन थाउजेंड की सेकंड को भी आपने कैश सेल्स की थी थर्ड को भी आपने कैश सेल्स की है फिर आपके बाद नेक्स्ट इसके बाद सेल्स देखें कहाँ आ रहा है सेल्स इसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट थर्ड में वो कितने का आ रहा है 1500 का 1500 की सेल्स है और आपने सेल किसको की है के जॉर्ज को तो के जॉर्ज जो है ये आपका रिसीवेबल हो जाएगा कि आपने इसको क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं ये आपका क्या है रिसीवेबल्स जो रिसीवेबल्स होते हैं इनके लिए हम अभी खैर आगे अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर रेफरेंस जो आप लेंगे वो क्या लेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स आप उसका रेफरेंस देंगे कि हमने सेल की है के जॉर्ज को सेल कर दी है और के जॉर्ज को हमने किस पे कर दी है क्रेडिट पे की है आप नेम भी लिख सकते हैं आप ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं ठीक हो गया उसके बाद नेक्स्ट देखें कि सेल्स कहां पर आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ को कोई सेल्स नहीं है फिफ्थ वाली जर्नल एंट्री में हमारे पास सेल्स हैं ये फिफ्टीन हंड्रेड की ये किसको की हैं आपने ये आपने जॉनसन को की हैं ठीक है एम जॉनसन को तो एम जॉनसन भी आपका क्या हो गया ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपने सेल्स क्रेडिट कर दी कितने से 1500 से अकाउंट में और डेबिट रेफरेंस में आप क्या देंगे जब आप रेफरेंस देंगे तो रेफरेंस में आप ये लिखेंगे कि आपके रेफरेंस में यहाँ पर ट्रेड पेबल्स सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स अब ये जो रिसीवेबल है ये कौन सा है ये आपका जॉनसन है इसका नेम आप लिख लें क्या नाम है एम जॉनसन आप आपदा भी लिख सकते हैं इसको बना सकते हैं ठीक हो गया उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास कोई सेल्स नहीं है सेल्स रिटर्न है सिक्स को ठीक है वो हम सेल्स रिटर्न का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे सिमिलरली आपके पास जो हैं वो भी आपकी सेपरेट हैं ठीक है अब यहां देखें ये हमारे पास सेल्स की अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया क्लोजिंग एंड पे करता हूं मैं इसकी ठीक है सेल्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा सेल्स का अकाउंट बन गया ठीक है सेल्स के बाद हमने अकाउंट देखना है कौन सा बनेगा कैश है ये भी डेबिट हो रहा है इसका अकाउंट पहले बन गया सेल्स का अकाउंट भी बन गया ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट अभी नहीं बनाया जो के जॉर्ज है ठीक है हम एक ही अकाउंट बना लेते हैं इन सब के लिए जो हमारे पास रिसीवेबल्स हैं ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक है इनका एक ही अकाउंट बना लेते हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड रिसिवेबल्स हमारे पास है यहां पर के जॉर्ज ठीक है के जॉर्ज डेबिट हो रहा है यहां पर के जॉर्ज अकाउंट या ट्रेड रिसिवेबल्स अकाउंट 1500 से ठीक है और क्रेडिट रेफरेंस आप क्या लिखेंगे सेल्स इसका मतलब यह है कि आपने क्रेडिट पे सेल्स की हैं 1500 की किसको की हैं के जॉर्ज को ठीक हो गया उसके बाद आप देखें आपके पास यहां पर ट्रेड की और कौन सी हैं हैं जो को को हुई है उनमें ट्रेड नहीं, उनमें नहीं आपकी ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं कि के, के जॉर्ज आपका क्रेडिट हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है कितने से थ्री से यहां पर अमाउंट लिख लें थ्री क्रेडिट के कॉलम में ठीक है और डिटेल में आप क्या लिखेंगे कैश उसने डेबिट रेफरेंस दे, दे देना आपने कैश का क्योंकि जॉर्ज से हमने थ्री हंड्रेड रुपीज रिसीव कर ली है जबकि उसे सेल की थी फिफ्टीन हंड्रेड की और थ्री हंड्रेड आपने उससे क्या कर ली है रिसीव कर ली है रिमेनिंग अभी रिसीव करने हैं ठीक है <coughs> अच्छा इसके बाद आप देखें तो ट्रेड रिसीवेबल में दूसरे नंबर पर हमारे पास इसी ट्रांजेक्शन में एक आ रहा है जॉनसन एम जॉनसन एम जॉनसन को भी आपने क्या किया फिफ्टीन हंड्रेड की इसको भी सेल की है आपने? ठीक है और रेफरेंस में आप यहां को? वो आप यहां लिख लें आप उसका नेम बी लिख सकते हैं डायरेक्टली उसका अकाउंट सेपरेट भी बना सकते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद हमारे पास एम जॉनसन आप यहां पर आए जो ट्रांजेक्शन नंबर सिक्स है तो एम जॉनसन ने आपको सेल्स रिटर्न कर दिए है, ठीक है एम जॉनसन ने क्या कर दिए रिटर्न कर दिए तो आपके रिसीवेबल्स पर रिड्यूस हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर टू हंड्रेड क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रिसीवेबल्स के अकाउंट में और डेबिट रेफरेंस में यहाँ क्या लिखेंगे डिटेल्स सेल्स रिटर्न अब आप अगर इसको रीड करते हैं ना इस अकाउंट को ट्रेड रिसिवेबल्स के तो ये अकाउंट इस तरह रीड होता है कि आपने डेबिट साइड देखें आपने सेल की है 1500 की सेल्स की है क्रेडिट पे के जॉर्ज को 1500 की सेल्स की है आपने क्रेडिट पे एम जॉनसन को ठीक है तो थ्री थाउजेंड आपके ये ट्रेड रिसिवेबल्स बन गए उनमें से जो आपका के जॉर्ज था उसने आपको थ्री हंड्रेड रुपीज दे दिए कैश दे दिए और जो आपका जॉनसन था उसने 200 की गुड्स आपको वापस कर दी है रिटर्न कर दी ठीक है <coughs> अब यहां पर देखें अब आपका ये ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स में अब आपके पास सब कोई भी नहीं है ठीक है ट्रेड रिसीवेबल्स अब आपके कंप्लीट हो गए अब आपके पास जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो देखते हैं कौन सा बनेगा ठीक है रिसीवेबल्स का अकाउंट बना लिया और हमारे पास अब अकाउंट बनेगा नेक्स्ट पेबल्स का अकाउंट भी बन गया ये हमारे पास ना परचेज रिटर्न का जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है इसमें इसका अकाउंट नहीं बना तो आप यहां पर जो एट्थ नंबर पे है यू विल प्रिपेयर परचेजेस रिटर्न अकाउंट ठीक हो गया आप परचेस रिटर्न का जो अकाउंट बनेगा आप देखें परचेजिज रिटर्न क्रेडिट हो रही हैं क्रेडिट कितनी अमाउंट से हो रही हैं 400 से तो आप 400 हंड्रेड परचे रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और डेबिट रेफरेंस क्या है पेबल्स जो आपके पेबल्स हैं या ट्रेड पेबल्स हैं वो कौन सा है आर डेविड आप उसका नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि हमने रिसीवेबल्स पेबल्स का एक ही अकाउंट बनाया इसलिए मैंने पेबल्स लिखा है ठीक है उसके बाद परचेजिंग रिटर्न की और कोई एंट्री हुई नहीं है ठीक है परचेज रिटर्न की कोई एंट्री नहीं हुई अब आप क्या करेंगे परचेज रिटर्न के लिए हमने बना लिया अब आपके पास हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एम जॉनसन है एम जॉनसन को हमने ट्रेडर सीवेबल में डाल दिया है उसको दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है सेल्स का अकाउंट भी हम बना चुके हैं कैश का अकाउंट भी बना चुके हैं फिक्स जर्नल एंट्री में देखें जो कैश का अकाउंट है फिफ्थ जनरल एंट्री में ये भी बन गया ये सारे हम बना चुके हैं ठीक है रिसीवेबल्स का अकाउंट भी बना चुके हैं हाँ अभी हमने ये सिक्स में जो सेल्स रिटर्न है इसका अकाउंट नहीं बनाया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न का एक अकाउंट बना लेंगे परचेज रिटर्न एट्थ है और नाइन्थ में हमारे पास यहां पर सेल्स रिटर्न आ जाएगा अच्छा जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है ना उसमें देखें यहाँ परिटर्न के टी अकाउंट में डेबिट तो साइड पे अमाउंट लिखेंगे 200 से ठीक है और आप क्रेडिट रेफरेंस लिखेंगे क्रेडिट रेफरेंस क्या है आपका रिसीवेबल्स है एम जॉनसन ठीक है रिसीवेबल्स और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ एम जॉनसन ये आपका आ गया अब इसके अलावा सेल्स रिटर्न कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है एम जॉनसन जो है वो आपका ट्रेड रिसिवेबल है तो ट्रेड रिसिवेबल का अकाउंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सेवंथ पे ड्राॅइंग्स है ठीक है सेवन्थ जनवरी को तो ड्राइंग्स का अभी तक अकाउंट हमने नहीं बनाया तो हम ड्राॅइंग्स का अकाउंट बना लेते हैं ड्राॅइंग्स का हमारे पास अकाउंट बनेगा टें अकाउंट ठीक है ड्रॉइंग्स देखें ड्रॉइंग्स हमारे पास हो रही है डेबिट तो हम ड्रॉइंग्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे कितनी अमाउंट से हो रही है 400 से वो हम यहां पर लिख देंगे ड्रॉइंग्स और कहीं पर भी नहीं इन्वॉल्व ना क्रेडिट हो रही है ठीक है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है परचेजेज परचेजेज का अकाउंट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं अब हम क्या करेंगे अब हम इन सब अकाउंट्स को कर देंगे क्लोज ठीक है इन सब अकाउंट्स को क्या करेंगे क्लोज करेंगे जब हम क्लोज करेंगे तो फर्स्ट से आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट में आपके पास है कैश अच्छा कैश अगर आप टोटल करते हैं तो आपका डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से तो टोटल आप नीचे लिख लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है आपने ये देखना है कि कैश की डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है नॉर्मली जो कैश होता है ना कैश हमेशा सॉरी कैश हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है कैश की हमेशा क्या होता है डेबिट साइड ग्रेटर होती है कैश कितना है डेबिट साइड पे देखें सेवन थाउजेंड कैपिटल आया था ऑनर लेके आया था टू थाउजेंड की सेल्स हुई थ्री थाउजेंड की आपके पास वन uh, थाउजेंड की फिर सेल्स हो गई और थ्री हंड्रेड के आपके पास क्रेडिट पे uh, उससे ले लिए रिसीवेबल से अमाउंट रिकवर कर ली तो टोटल ये आपकी बन गई टेन थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड ये आपके पास क्या आ गई टोटल आपकी कैश आ गई अब टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड में से आपने क्या किया आपने जो अमाउंट रिसीव कर ली है वो कितनी रिसीव कर ली है वो आपकी आती है फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड रिमेनिंग आती है इसमें से आप ये डिडक्ट कर दें अमाउंट तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा वो आपने निकालना है बैलेंस कैरीडाउन डाउन सीडी ठीक है तो ये आ जाएगा फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ये आपके पास कैश आ गया ठीक हो गया उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो कैश है ये अकाउंट क्लोज हो गया इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जनवरी थर्टी फर्स्ट जनवरी को आपके पास जो कैश पड़ा हुआ था कैश इन एंड था वो फिफ्टी थ्री हंड्रेड का आपके पास एसेट बचा हुआ है फिर आपके पास आप बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे तो बैंक में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हुई है जो ऑनर कैपिटल लेके आया उसके अलावा कोई पेमेंट नहीं हुई कोई चेक रिसीव नहीं किया तो आपके पास एट थाउजेंड टोटल में आ जाएगा डेबिट साइड पे और एट थाउजेंड में से आप क्रेडिट साइड है ही जीरो क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस है ही नहीं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो है एट ये आपके पास थर्टी जनवरी को बैलेंस डाउन बच गया है एट थाउजेंड का ये आपके पास बैंक बैलेंस है ठीक है सिमिलरली आप क्लो, अकाउंट क्लोज करेंगे कैपिटल का तो कैपिटल का अकाउंट देखें तो कैपिटल में हमारे पास क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड डेबिट साइड पे कोई फिगर नहीं है क्रेडिट साइड पे दो वैल्यूज हैं टू वैल्यूज हैं एट थाउजेंड एंड सेवन थाउजेंड टोटल कितना हो गया ये फिफ्टीन थाउजेंड तो फिफ्टीन थाउजेंड टोटल में आप दोनों साइड पे इसको लिख देंगे डेबिट साइड में कोई वैल्यू फिगर नहीं है तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो आएगा बैलेंस कैरी डाउन इट वुड फिफ्टीन थाउजेंड ठीक हो गया अच्छा उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पर अकाउंट इसको भी आप क्लोज कर दें परचेजेज अकाउंट डेबिट साइड आपकी है फाइव थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड टोटल एट थाउजेंड ठीक है अब इस एट थाउजेंड में से आपकी हो गई 4000 की आपकी टोटल परचेजेस थी इतनी 8000 की उसमें से ड्राइंग्स हो गई 4000 की रिमेनिंग जो है वो आपके पास जो बैलेंस आया वो कितना आ गया बैलेंस कैरी डाउन वो आपका आ गया 7600 ठीक हो गया ये फोर्थ अकाउंट भी क्लोज हो गया फिर आप फिफ्थ अकाउंट भी क्लोज कर दें इसका बैलेंस कैरी डाउन निकाल लें ठीक है पेबल्स जो थे, थे वो आपके क्रेडिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड थ्री थाउजेंड है यही थ्री थाउजेंड आप दोनों साइड पे लिखेंगे बिकॉज़ क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इज बैलेंस कैरेडाउन ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इज बैलेंस डाउन ठीक है आफ्टर द क्लोजर ऑफ फिफ्थ अकाउंट अब आप क्या करेंगे आप नेक्स्ट अकाउंट को क्लोज कर देंगे जो नेक्स्ट अकाउंट है वो हमारे पास है सेल्स का ठीक है सेल्स का जो अकाउंट है उसमें देखें क्रेडिट साइड कितनी है 2000 प्लस 1000 ठीक है 2000 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1500 टोटल आपकी सेल्स कितनी हो गई 6000 की यही बैलेंस आप टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे डेबिट क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे देखें सेल्स में कोई फिगर नहीं आ रहा मतलब जीरो फिगर है तो आप सिक्स थाउजेंड में से जीरो निकाल दें तो वो सिक्स थाउजेंड ही बचेगा आपका जो बैलेंस डाउन है वो कितना आ जाएगा सिक्स थाउजेंड का आ जाएगा ठीक हो गया अच्छा सिक्स के बाद आप सेवेंथ को क्लोज करें सेवंथ को जब आप क्लोज करेंगे आपके पास देखें कि इसमें रिसीवेबल्स का अकाउंट है डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड इफ यू लुक एट द डेबिट साइड 1500 प्लस 1500 ये 3000 बनता है जबकि क्रेडिट साइड पे आपका 500 है तो जो ग्रेटर साइड होती है उसका टोटल दोनों साइड पे टोटल में लिख देते हैं 3000 आपका डेबिट साइड पे आएगा 3000 ही क्रेडिट साइड पे आएगा उसमें से आपने यहां ये दो वैल्यूज इन माइनस कर लेनी है ठीक है आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का दिस वुड बी बैलेंस डाउन ठीक हो गया अच्छा आपके पास जो नेक्स्ट है वो है परचे रिटर्न ठीक है परचेजिज रिटर्न जो है वो आपकी एट्थ अकाउंट है आप परचेज रिटर्न में एक ही वैल्यू क्रेडिट साइड पे तो टोटल हम दोनों साइड पे इसका लिख लेंगे और डेबिट साइड पे हमारे पास उसमें से डिडक्ट करने के लिए कोई फिगर नहीं है जीरो तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो आएगा फोर हंड्रेड का ठीक है किसमें परचे टोटल परचेज रिटर्न हमारे पास फोर हंड्रेड की हुई है <coughs> अच्छा उसके बाद आपने क्लोज करना है इस अकाउंट को नेक्स्ट को नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न में अगर आप देखें तो डेबिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड पे 200 है क्रेडिट साइड पे जीरो है तो डेबिट साइड जो बड़ी साइड होती है उसका टोटल दोनों साइड पे लिख देते हैं और उसमें से क्रेडिट साइड जो है उसको माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड पे है ही जीरो तो 200 में से जीरो निकालेंगे तो 200 ही वैल्यू बचेगी तो आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन है वो आपका आ जाएगा टू ठीक है और उसके बाद आपके पास ड्रॉइंग का अकाउंट है ड्रॉइंग्स में देखें तो आपके पास फोर से ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही है ठीक है 400 से क्या हो रही है ड्राइंग डेबिट हो रही है तो यही टोटल आप दोनों साइड पे लिखेंगे क्रेडिट साइड जीरो है तो 400 जीरो तो 400 ही आपका बैलेंस आएगा आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 400 का ठीक है इज दैट क्लियर अच्छा यहां तक ये जो लेजर्स हमने बनाए हैं इनको जरा आप देखें और मुझसे क्वेश्चन जो करना है लेजर से रिलेटेड वो आप अभी कर लें ठीक है अच्छा आप लोग अपना यहां से तो आवाज ठीक है ठीक है और जिसको मोहम्मद उमर आप जरा अपना वो माइक वगैरह चेक करें या री करें सेशन वो ठीक हो जाएगी अच्छा जी उसके बाद जहाजे ट्रायल बैलेंस अभी बनवाते हैं यार अभी ना ये लेजर्स बनाने दो बच्चों को वो सारा कुछ इकट्ठा अगर कंपाइल कर लेंगे सारा कुछ तो जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको बिल्कुल समझ नहीं आने ठीक है।, है उनके लिए चीज़ें क्यूमुलेट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा ठीक है इसलिए आप लेजर्स अभी करो मोहम्मद हंजला नूर मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन थ्री करवा दी है थर्ड की ना वो देखें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा करवा देता हूँ थ्री पॉइंट फोर की ट्रांजैक्शन नंबर थ्री थर्ड जनवरी वाली ट्रांजैक्शन उसमें एक ये था कि आपने के जॉर्ज को सेल्स की हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की टोटल ठीक है कितनी सेल्स की हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की उसमें से के जॉर्ज ने आपको जो पेमेंट की है वो पेमेंट की है वन थाउजेंड की कैश दे दी है इट मीन आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगी वन थाउजेंड से फिर के जॉर्ज आपसे गुड्स जो लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है टोटल ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की तो वन थाउजेंड दे जा रहा है तो रिमेनिंग आपने उससे कितने रिसीव करने फिफ्टीन हंड्रेड ये रिसीवेबल है ये जो रिसीवेबल है इसके लिए आप के जॉर्ज अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज के जॉर्ज इज रिसीवेबल और क्रेडिट में आप सेल्स को क्रेडिट कर देंगे ठीक है सेल्स को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे अब्दुल रहमान अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना अभी तो पढ़े ना आप आगे की टेंशन ना लिया करें ठीक है जो क्लासेस हो रही हैं वो तो आप करें जो होमवर्क दे रहा हूं वो करें <coughs> अच्छा हमजा सईद जो आपने लिखा है कि के नेम लिखे इंस्टेड ऑफ परचेज इज करेक्ट हां जी आप देखें परचेजेस ऑफ गुड्स को सिर्फ आप परचेजेस लिखेंगे ठीक है परचेजेस ऑफ गुड्स को आप परचेजेस लिखेंगे जो चीजें आप रीसेल पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन में लिखा होता है पर, गुड्स परचेज ठीक है तो गुड्स जो होती हैं वो परचेजेज अकाउंट में जाती हैं उसके अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लिया कंप्यूटर आप कंप्यूटर के नेम से उसको लिखेंगे डेबिट करेंगे आपने मशीनरी ली तो मशीनरी को नेम से डेबिट करेंगे आपने को मशीनरी ए बी सी है तो आप मशीनरी ए मशीनरी बी मशीनरी सी उसको नेम से लिखेंगे ठीक है आप नेम यूज करेंगे नॉन करंट एसेट्स के लिए मोहम्मद उसेफा ये जो टी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये लेजर ही हैं कल भी हमने पढ़े थे बुशरा देखें आपको जर जो पेपर में आएंगे ना वो एम आएंगे इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री से रिलेटेड तो उसमें वो बना हुआ होगा ऑप्शन होंगी कि डेबिट में ऑप्शन चार हैं क्रेडिट में चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी ठीक है A, B, C, D, तो आपने उनमें से एक सेलेक्ट करनी होगी तो आपके जर्नल एंट्रीज का यही फॉर्मेट है ठीक है दानियाल जो ड्राइंग्स होती है ना वो कैपिटल में रिडक्शन ही होती है कैपिटल ही रिड्यूस होता है और जब कैपिटल रिड्यूस होता है हम उसको डेबिट करते हैं लेकिन जब हम जनरल एंट्रीज कर रहे होते हैं तो ड्राइंग्स को सेपरेट शो करते हैं ताकि क्लियरली शो हो जाए कि ये ऑनर ने अमाउंट विड्रॉ की है ठीक है इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की बजाय ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दे, देंगे हम Uh, इदरीस uh, कासिम आप अगर ट्रांजेक्शन नंबर फोर देखें तो उसमें हमने परचेजेस रिटर्न को ही क्रेडिट किया हुआ है ठीक है डेबिट नहीं किया हुआ वो क्रेडिट के कॉलम में लिखी है परचेजेस रिटर्न क्रेडिट की हुई है फोर हंड्रेड से ठीक है उसको हमने डेबिट में नहीं लिखा हुआ आप दोबारा देखें जरा उसे जो ये जो अब्दुलर रहमान जहां मैंने रिसीवेबल्स लिखा हुआ है ना खाली या पेबल्स लिखा हुआ है ये है ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स ये क्योंकि वो जगह कम थी इसलिए मैंने आर स्लैश ए लिख दिया रिसीवेबल्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल के लिए और पेबल्स के लिए पी स्लैश ए लिखा हुआ है ठीक है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स है I, हाँ जी अकाउंट्स भी यूज करते हैं अकाउंट्स पेबल भी लिख सकते हैं ट्रेड पेबल्स की जगह लेकिन ट्रेड पेबल्स जो है वो टर्म होती है स्पेसिफिकली यूज होती है जो आपने उन कस्टमर उन सप्लायर्स के लिए जिनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं ठीक है उनके लिए आप स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ट्रेड पेबल्स ठीक है तो वैसे आप ये भी यूज कर सकते हैं अकाउंट्स पेबल फिलहाल ठीक है इश्फाक हुसैन ट्रेड पेबल्स जो है ना वो मैंने आपको ट्रेड पेबल्स करवाया था ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनवाया था ट्रेड पेबल्स के अकाउंट में देखें कि हमने परचेजेस की थी क्रेडिट पे थ्री थाउजेंड की ठीक है तो, तो टोटल हमारे पास क्रेडिट साइड पे परचेज ट्रेड पेबल्स में थ्री थाउजेंड आए थे और हमने रेफरेंस डेबिट रेफरेंस लिखा था परचेजेज के हमने ये परचेज किए क्रेडिट पे ठीक है और फिर कुछ अरसे बाद क्या हुआ था कि परचेजेस रिटर्न कर दी थी कि हमने 400 की गुड्स वापस कर दी थी फोर्थ को डेबिट से परचेज की थी और उसको वापस कर दी ठीक है जो परचेजेस रिटर्न हुई हैं उसमें देखें कि हमारे पास जो ट्रेड पेबल्स अकाउंट है डेविड आर डेविड फोर्थ में वो पेबल ट्रेड पेबल्स हैं मैंने पी स्लैश ए लिखा हुआ है ठीक है तो वो हमारे पास डेबिट हो रहा था हमने डेबिट साइड पे 400 लिखी अमाउंट और जो क्रेडिट रेफरेंस लिखा वो हमने परचेज रिटर्न लिखा जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड चूंकि बड़ी है हमारे पास क्रेडिट साइड थ्री थाउजेंड है डेबिट साइड पे टू थाउजेंड है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल लिख लेंगे दोनों साइड पे जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ठीक है दोनों साइड पे अब थ्री थाउजेंड में से डेबिट साइड वाली अमाउंट जो है फोर हंड्रेड वो माइनस कर देंगे रिमेनिंग हमारे पास जो बच जाएगी अमाउंट वो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है वो बैलेंसिंग फिगर है इसका मतलब है कि हमारी जो लाइबिलिटी है जो हमने ट्रेड पेबल्स को अमाउंट देनी है वो सिर्फ ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड की देनी है ठीक है इशफा के आपने क्वेश्चन किया था <laughs> अरसलान डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो जर्नल एंट्री से आपने देखना है जर्नल एंट्रीज बनाई हुई है ना तो उसमें देखना है जैसे कैश है तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे हम अमाउंट लिखते हैं ठीक है और क्रेडिट रेफरेंस फिर हम उसमें लिख देते हैं ठीक है इसी तरह अच्छा जैसे आप देख लें कि यहाँ पर ना हमारे पास आ, जो कैपिटल अकाउंट है तो जो पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास फर्स्ट जनवरी की हुई है मोहम्मद अरसलान उसमें देखें कि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन जो हमने जनरल एंट्री की है पहली कैश अकाउंट डेबिट किया है सेवन थाउजेंड से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है अब देखें जब हम कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल के अकाउंट में देखें कि हमने जो थर्ड नंबर पे हमने टी अकाउंट बनाया हुआ है उसमें हमने कैपिटल क्रेडिट किया है सेवन थाउजेंड से कैपिटल कितने से क्रेडिट किया हमने सेवन थाउजेंड से और उसका डेबिट रेफरेंस क्या लिखा हुआ है कैश लिखा हुआ है डेबिट रेफरेंस क्या हमारे पास है कैश ऑनर ने कैश दिया था Similarly, उसके बाद जो January को 2nd, हम हमने जर्नल एंट्री अमाउंट हम तो हम लिखेंगे और जो डिटेल होगी उसमें दे देंगे, है? जब भी आप अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं डेबिट रेफरेंस देते हैं डेबिट साइड पे अमाउंट लिखते हैं तो क्रेडिट रेफरेंस देते हैं लेजर में शान वो जो जब चेक ले रहे हैं ना तो आपको यहाँ पर उसने नहीं बताया हुआ कहीं पर क्वेश्चन में कि आपने चेक रिसीव किया है ठीक है शान इलाही ठीक है कि आपने चेक रिसीव किया और उसको आपने डिपॉजिट नहीं बैंक में करवाया ठीक है आपने चेक सिर्फ रिसीव कर लिया है ठीक है इसका मतलब है कि आपने जब उसको रिकॉर्ड करेंगे कैशबुक में या कहीं पर भी रिकॉर्ड करेंगे तो वो बैंक में कंसिडर किया जाता है कि आपने आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है ठीक है तो वो अगर यहां पर नहीं कुछ भी ऐसा डिस्कशन हुई होती जब भी चेक रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करना है और जब चेक आप पे करेंगे तो आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना है याशेल खान आप रिसीवेबल्स और पेबल्स के अलग-अलग अकाउंट बना सकते हैं हर नेम से जैसे जॉनसन हो गया के जॉर्ज हो गया उसके आर डेविड हो गया आप अलग अलग से भी बना सकते हैं और कंबाइन भी बना सकते हैं मैंने यहाँ कंबाइन बनाया है ठीक है शमरेज आप अपना थोड़ा सा वो रिफ्रेश कर लें ठीक हो जाएगा फातिमा शायद अभी एम सी क्यूज तो हमने करवाई नहीं है आपको एम सिक्यूज कहां से समझ आने है? जब मैं करवाऊंगा तो समझ आ जाएंगे आपको अभी आप जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो करें जब आपने वो चीजें ही उस लेवल की नहीं पढ़ी होनी जिस लेवल पे कम सी क्यूज आएंगे तो आपको समझ कैसे आएगी तो इसलिए बेहतर ये है कि जो जो लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि अभी मैंने जो चीज़ नहीं पढ़ाई वो भी पढ़ लें उसमें उससे ये होता है समटाइम्स आप डिस होना शुरू हो जाते हैं अगर आपको समझ ना आए तो ठीक है जो टॉपिक देता हूँ वो टॉपिक आप उतना रिवाइज करके आया करें तो फिर आगे अगर एडवांस चलेंगे तो फिर आप ने बाद में डिसार्ट होना है कि शायद ये तो चीजें समझ ही नहीं आती जब टॉपिक कंप्लीट होगा मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएंगी अच्छा ड्राइंग्स जो अकाउंट है उसमें देखें विनोद नेम है कोई स्टूडेंट ठीक है इसमें देखें जो ड्रॉइंग्स का अकाउंट हमने बनाया उसमें देखें कि ड्रॉइंग्स हमारे पास डेबिट हो रही है उसमें रेफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा था वो रेफरेंस यहाँ से रेज हो गया वो पेन लगने से ठीक है रेफरेंस उसमें हम परचेजेस ही देंगे क्योंकि परचेजेज ही हमारी आ रही है ठीक है एन यहाँ तो माइक सही चल रहा है कोई मसला नहीं है आप उसे रीजन करें सेशन को समटाइम्स होता है और डिस्टोक्शन होती है किसी नेट के प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आती अच्छा हेरा इफ्तार का आ, क्लोजिंग बैलेंस दोबारा बता दें अच्छा देखें इसमें देखें हमने परचेजेज की हुई थी डेबिट साइड हमारे पास थी फाइव uh, थाउजेंड और थ्री uh, थाउजेंड टोटल थी डेबिट साइड एट थाउजेंड की और क्रेडिट साइड जो थी वो थी हमारे पास सिर्फ फोर हंड्रेड की जो हमारे पास ड्राॅंग्स हुई थी ऑनर गुड्स लेके चला गया था ठीक है तो परचेजेस बेसिकली हमने लिखा होता है कि की हमारा एक्सपेंस हो गया ठीक है लेकिन जब ऑनर गुड्स लेके चला जाता तो बिजनेस का एक्सपेंस तो खत्म हो गया वो बिजनेस का एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं है वो तो फिर ऑनर का हो जाता है ना ठीक है इसलिए आप परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं इसलिए क्रेडिट हुई है अच्छा तो डेबिट साइड आपके पास आ रही है एट थाउजेंड की टोटल वो टोटल हम दोनों साइड पे लिखेंगे उस टोटल में से आपने क्या करना है कि यहां से ये जो एट एट थाउजेंड है इसमें से आपने ये फोर हंड्रेड जो है ये माइनस कर लेंगे तो आपने जब इसमें से इसको डिडक्ट करना है माइनस करना है तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा ठीक है रिमेनिंग बैलेंस जो आएगा वो आपके पास आता है सेवनटी सिक्स हंड्रेड ठीक है तो आपकी जो परचेजेज हैं वो अब रह गई हैं सिर्फ सेवेंटी सिक्स हंड्रेड की ठीक है अब्दुलर रहमान अभी अलग-अलग से पढ़ा रहा हूं जैसे लेजर सेपरेट सेपरेट करने आपने ठीक है और परचेज सेल्स को कहीं हम मर्ज नहीं करते ठीक है परचेजेस को सेपरेट लिखते हैं सेल्स को हम सेपरेट लिखते हैं ठीक है ये दोनों चीजें अलग-अलग अलेद अलेद है सेपरेट रखते हैं विनोद जो है वो ड्राइंग्स अकाउंट जो है ड्राइंग्स अकाउंट आपको मैं दोबारा करवा देता हूँ ड्राइंग्स अकाउंट अगर आप देखें तो लास्ट जो ट्रांजैक्शन है सेवन्थ को जो हुई है सेवन्थ जनवरी को उसमें देखें ड्राइंग्स हो रही हैं आपके पास डेबिट ठीक है तो डेबिट कितने से हो रही है 400 से तो ड्राइंग्स के अकाउंट में डेबिट की साइड पे आप 400 की अमाउंट लिख देंगे और जो डिटेल देनी है आपने डिटेल में आप परचेजेस दे, दे देंगे जो कि क्रेडिट रेफरेंस है यहाँ पर क्यों ड्राॅंग्स डेबिट हो रही है ठीक है ड्रॉइंग्स में कैश भी हो सकता है अगर कैश होगा तो फिर आप कैश रेफरेंस लिखेंगे यहाँ पर वो बैंक में से पैसे ऑनर विद्रॉ कर सकता है इन दैट केस यू विल राइट डाउन या द बैंक ठीक है अच्छा फिर हमने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है डेबिट साइड हमारे पास ड्रॉइंग्स 400 हंड्रेड है क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारे पास टोटल में हम दोनों साइड पे 400 लिख देंगे और क्रेडिट साइड में है ही जीरो तो 400 में से जीरो माइनस करेंगे तो 400 ही आपके पास बैलेंस आएगा ठीक है ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ड्रॉइंग का के टोटल ड्राइंग्स हमारे पास 400 की हुई है अजमर आपका क्वेश्चन है कि जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं उतने अकाउंट बनते हैं अः uh, ट्रांजेक्शन uh, के हिसाब से अकाउंट नहीं बन रहे होते वो आपकी जर्नल एंट्रीज जो हो रही होती है उसके हिसाब से बन रहे होते हैं जैसे देखें के जो ट्रांजेक्शन हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफरेंट हैं लेकिन हमारे पास अकाउंट uh, डिफरेंट है नंबर ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट है अच्छा जैसे कि अजमर आपका क्वेश्चन के मुताबिक अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपकी टेन ट्रांजेक्शन गिवन है और टेन सारी की सारी कैश सेल्स हैं टेन ट्रांजेक्शन है और सारी की सारी कैश सेल्स हैं तो आपका एक कैश का अकाउंट बनेगा एक सेल्स का अकाउंट बनेगा तो ट्रांजेक्शन टेन हुई लेकिन क्या होगी जर्नल एंट्रीज भी टेन बनेगी लेकिन आप अकाउंट उनके दो ही बनाएंगे एक कैश का बनाएंगे और एक सेल्स का बनाएंगे तो इसलिए आपने ये कोई हिसाब किताब नहीं रखना वो जर्नल एंट्रीज के हिसाब से होता है जहाँ सेब ट्रेड रिसिबल्स और ट्रेड पेबल्स जो हैं वो मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ समझा देता हूँ यहाँ पर <coughs> ठीक है ये जरा इसको समझ लें ट्रेड रिसिवेबल्स और ट्रेड पेबल्स अच्छा देखें जो हमने ये अकाउंट्स बनाए हैं वो यहाँ से जर्नल एंट्रीज से बनाए अब इन जर्नल एंट्रीज को ना मैं ये जो ट्रेड रिसिवेबल्स हैं और ट्रेड पेबल्स हैं इनको मैं आ, इस कर रहा हूँ जरा रेड में लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए दे। देखें जो फर्स्ट ट्रेड पेबल है ना वो सेकंड ट्रांजैक्शन में जाके आ रहा है ठीक है वो किसमें आ रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन में सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर परचेजेज वाली ठीक है और आर डेविड ये जो है ये आपका है ट्रेड पेबल्स क्योंकि आपने इससे क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए डेविड से ठीक है उसके बाद आपके पास जो सेकंड कोर्ट अगली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कैश सेल्स हुई है तो इसमें तो ट्रेड रिसीवेबल पेबल्स का क्वेश्चन ही नहीं उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देखें जो जॉर्ज है ना आपने उसको सेल की है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की टोटल सेल की थी और उसमें से वन थाउजेंड कैश ले लिया था रिमेनिंग उसने नहीं दिया तो ये भी आपका ट्रेड पे ट्रेड रिसीवेबल है ये क्या आपका ट्रेड है? ठीक हो गया उसके बाद आप देखें डेविड है तो डेविड हमारे पास कहाँ आ रहा था डेविड ये ऊपर आ रहा था जिससे हमने परचेजेस की थी तो हम अब उसको परचेजेस गुड्स वापस दे रहे हैं तो वो हमारे पास पेबल्स कम हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेड पेबल्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं तो मैंने क्या किया मैंने बजाय इसके कि डेविड का लैदा अकाउंट बनाऊं हमारे पास उसके अलावा जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जॉर्ज है के जॉर्ज है ठीक है वो ट्रेड रिसीवेबल है इसी तरह आपके पास जो यहाँ पर जॉर्ज है ये लिखा हुआ जॉर्ज ये भी आपका क्या है ये आपका ट्रेड रिसीवेबल है ठीक है इसी तरह आपका जो जॉनसन है यहां पर इसको भी आपने क्या किया हुआ है, ये भी आपका ट्रेड पे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, क्योंकि आपने इससे भी इसको क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं, ठीक है इसी तरह एम जॉनसन ने आपको कुछ सेल्स रिटर्न कर दी हैं तो ये यहाँ पर भी मैंने सिंपल रिसीवेबल्स लिखा हुआ था इसको ट्रेड रिसीवेबल्स में कर देता हूं ताकि आपके समझने के लिए इजी हो जाए ठीक है अब यहां देखें आपके जितने भी सबसे पहले आप ट्रेड पेबल्स पे आ जाएं तो ट्रेड पेबल्स पे अगर आप आते हैं तो आप हमने जो अकाउंट ट्रेड पेबल्स का बनाया है वो हमने पांचवें नंबर पर फिफ्थ नंबर पे बनाया है ट्रेड पेबर्स हमारा सबसे पहला आता है डेविड ठीक है उसको हमने से उससे परचेजेस की है थ्री थाउजेंड की वो हमने क्रेडिट हो रही है क्योंकि ट्रेड पेबर्स यहाँ क्या हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे हमने थ्री थाउजेंड लिख दिया ठीक है उसमें से थ्री थाउजेंड में से डेविड ने हमारे पास जो फोर्थ जनवरी की ट्रांजेक्शन है उसमें उसने हमें पेमेंट कुछ गुड्स वापस कर दिए हैं सॉरी uh, उसको हमने हमने uh, उसको चीजें वापस कर दी हैं तो हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो हमारे कम हो गए तो हमारे पास यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डेबिट हो रहे हैं फोर हंड्रेड से हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट रेफरेंस में हमने लिख दिया परचेजेस रिटर्न डिटेल में ठीक है अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स की जो सॉरी पेबल्स की क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर है थ्री थाउजेंड क्रेडिट साइड है और इसी को टोटल हम दोनों साइड पे लिखेंगे इस 3000 में से हमने 400 डेबिट साइड वाली अमाउंट निकाली तो बाकी हमारे पास 2600 जो है यह हमारे पास ट्रेड पेबल्स की अमाउंट बच गई इसका मतलब है कि हमारी लाइबिलिटी जो है एट द एंड ऑफ जनवरी वो कितनी है 2600 की है आप ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स में मैंने क्या किया है जो हमारा के जॉर्ज है एम जॉनसन है उनका अकाउंट अलहदा बनाने की बजाय मैंने एक ही अकाउंट बना लिया और उनके नेम के आगे मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिया था जो हमारे पास सेवंथ वाला अकाउंट है उसमें देखें जो हमने ट्रांजैक्शन पुट की है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं थर्ड जनवरी को हुई थी जॉर्ज हमारा डेबिट हुआ था कितने से फिफ्टीन से वो फिफ्टीन हमने डेबिट साइड पर लिख दिया क्रेडिट रेफरेंस था सेल्स हमने सेल्स यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस लिख दिया डिटेल में ठीक है इसी तरह हमारे पास के जॉर्ज के बाद एम जॉनसन एम जॉनसन हमारे पास क्या हुआ डेबिट हुआ कितनी अमाउंट से हुआ 1500 हंड्रेड से वो हमने अमाउंट लिख ली और जो रेफरेंस था क्रेडिट रेफरेंस वो भी हमने लिख लिया सेल्स यहाँ पर और फिर हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया कि 3000 के हमारे पास टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स थे उसमें से हमारे हमने टोटल डेबिट साइड दोनों साइड पे लिख दी और उसमें से हमने अमाउंट जो 300 थी एक हमने कैश रिसीव की है और दूसरे नंबर पर 200 की गुड्स वापस आ गई हैं तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचा है वो हमारे पास रिसीवेबल्स का कितना बचा 2500 ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर ये हमारा पास क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्टी एट द एंड ऑफ जनवरी थर्टी फर्स्ट जनवरी को हमारे जो रिसिवेबल थे वो हमारे थे 2500 के ये क्लोजिंग बैलेंस है ठीक है जहाँ से अब क्लियर है ये हमजा वहीद मैंने आपको भी काफी दफा ये रीड करके बता दिया लेजर अकाउंट ठीक है मिर्जा अब्दरहन हाँ जी आज लेजर्स ही करवाने तो लेजर्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये अच्छी हो जाएगी तो फिर आपके आगे क्लियर हैं कॉन्सेप्ट सारे तकरीबन दानियाल अगर किसी अकाउंट की ना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाए तो उसका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस कैरि डाउन जीरो आएगा ठीक है वो जीरो आ जाता है खत्म हो जाता है वो अकाउंट मोहम्मद उमर मैंने बताया कि आप लिख सकते हैं ट्रेड पेबल्स की जगह आप अकाउंट्स पेबल भी लिख लें उमर जकी आपको आ, बुक्स जो हैं वो आ, मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं पहले काफ़ी दफा बता चुका हूँ कि आपने ऐसा करें आप मुझे मेरे ई मेल एड्रेस पर ई मेल कर दें मैं आपको अकाउंट में ऐड कर लूँगा गूगल क्लास रूम में वहाँ पर आ, वो गिवन है आ, बुक्स के नेम्स और टाइटल पेजेस गिवन है आपने वो परचेज करनी है उस्मान उस्मान मोहम्मद खान प्रॉफिट एंड लॉस पे अभी हम गए ही नहीं है जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें फिर पता लगेगा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है ठीक है अभी हम आ, लेजर अकाउंट से बना लें अब्दुलरहमान शेख अच्छा है आप प्रैक्टिस करते जाएं आप इजीली इसको कवर कर जाएंगे ठीक है अच्छा अबुशरा जो आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर इक्विपमेंट में नहीं लिखेंगे देखें कंप्यूटर एक सेपरेट एसेट है ठीक है इक्विपमेंट सेपरेट एसेट है अगर तो आपकी आपको वो कह देता है ना इक्विपमेंट के अंदर ही सारे आते हैं तो फिर तो आप लिख सकते हैं अदरवाइज आपने सेपरेट लिखना है कंप्यूटर अलहदा गिवन है और इक्विपमेंट अलहदा गिवन है आप अलग अलग लिख लें अच्छा हमना आप ये जो आपने मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स का एक अकाउंट बनाया ये इसलिए बनाया कि समटाइम्स आपके पास बहुत ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल पेबल होते हैं तो आप एक अकाउंट बना लें तो इजीली एक वैल्यू निकल आएगी लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं अकाउंट ट्रेड रिसिवेबल्स और पेएबल्स के उनके नेम से तो वो भी आप बना लें ठीक है उसमें कोई मसला नहीं है शीश हुमाम अकबर ये जो ड्राइंग्स में हमने परचेजेस क्रेडिट किए हैं ना जो सेवन ट्रांजेक्शन में ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ऑनर क्या किया ऑनर गुड्स लेके गया तो गुड्स जो होती हैं वो जब हम परचेज करते हैं तो हम उसको परचेजेस अकाउंट में डेबिट किया होता है तो जब ऑनर लेके जब गुड्स चला गया तो हमारी गुड्स डिक्रीज हो गई है तो हमने गुड्स तो कहीं नहीं लिखी होती तो वो सिर्फ परचेजेज अकाउंट में लिखी होती है इसलिए परचेजेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं इश्फाक हुसैन उसमें सिर्फ हमने यही किए थे कल वाले लेक्चर में कि हमने क्लोज किए थे अकाउंट्स कैश अकाउंट बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वो हमने क्लोज किए थे uh, वो आज दोबारा मैंने सारे समझा दिए क्लोज जो किया था कैसे क्लोजिंग करना है बैलेंस कैरी डाउन निकालना है ठीक uh, है नवाबजादा पेएबल्स हैं या रिसीवेबल्स हैं आपको तब पता चलेगा जब आपने किसी कस्टमर को लिखा हुआ क्लियर ट्रांजैक्शन होती है कि आप फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू जॉर्ज आपने जॉर्ज को चीजें सेल कर दी है क्रेडिट पे सेल की है इसका मतलब है तो आपने फ्यूचर में उससे पैसे रिसीव करने वो आपका क्रेडिट कस्टमर है तो आपका रिसीवेबल हो जाएगा इसी तरह आप जब परचेज करते हैं तो अगर आप उसके अगेंस्ट कैश नहीं पे करते चेक नहीं देते तो इसका मतलब है यू विल पे इन फ्यूचर तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती उसको पेएबल कहते हैं लेज़र अकाउंट सबके सेपरेट बनाने होते हैं सेपरेट बनाते हैं हम मोहम्मद तहमा अहमद ठीक है आपने कहा कि ट्रेड पेबल्स के अकाउंट में हमारे पास परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट कैसे परचेज थ्री थाउजेंड कैसे हो देखें आ, वो परचेजेस क्रेडिट नहीं हो रही अभी मैंने समझाया था आप यहाँ देखें दोबारा करवा रहा हूँ कि आपके पास जो ट्रेड पेबल्स का अकाउंट है ना वो ट्रेड पेबल्स का अकाउंट जर्नल एंट्री देखें वो हमारे पास जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है ना सेकेंड जनवरी को हो रही है उसमें डेबिट जो है ये हमारे पास ट्रेड पेबल है जो कि क्रेडिट हो रहा है ठीक है कितनी अमाउंट से हो रहा है थ्री थाउजेंड से क्योंकि पेबल्स अकाउंट हम पेबल्स का अकाउंट बना रहे हैं ये फिफ्थ पे जो बना है तो इसमें ये क्रेडिट साइड पे हमने थ्री थाउजेंड अमाउंट लिखी है कि पेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं ये जो है ये हमारे पास रेफरेंस है डेबिट रेफरेंस दिया हुआ है परचेजेस का कि अगर ये थ्री थाउजेंड क्रेडिट हुए पे, पेबल्स तो क्यों क्रेडिट हुए रीजन क्या है तो रीजन में हम जब डिटेल देते हैं तो हम डेबिट रेफरेंस देते हैं तो आप सेकंड की जो ट्रांजैक्शन है उसमें देखें जहाँ डेविड आर डेविड लिखा है उसमें डेबिट रेफरेंस जो है परचेजेस का है ये इसलिए परचेजेस डेबिट डेबिट लिखी हुई है ठीक है आशमरेज फिजिकल क्लासेस का अभी कोई आइडिया नहीं है वो आपको मैनेजमेंट बता देगी जब स्टार्ट होंगी बुशरा ड्राइंग्स जो होती हैं बेसिकली ये होता है हमारे पास डिक्रीज इन कैपिटल होता है ठीक है तो ड्राइंग्स हम कैपिटल को डेबिट करने की बजाय ना ड्राइंग्स हम अकाउंट डेबिट करते हैं वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैपिटल में से इसको माइनस कर दिया जाता है ठीक है ड्राइंग्स बेसिकली डिक्रीज इन कैपिटल है हमजा वहीद कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो पढ़ रहे हैं हम इधर ही पढ़ रहे हैं उस्मान मोहम्मद खान दो अकाउंट कंबाइन अक, हो सकते हैं लेकिन आपने सेपरेट बनाने हैं आपने इस तरह की कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी ठीक है जो पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है अच्छा जो सेल्स है ना मुहम्मद अरसलान आपने क्वेश्चन किया कि सेल्स में डेबिट साइड पे आपने कुछ नहीं लिखा तो सेल्स कहीं पर हमारे पास जनरल एंट्रीज में ऊपर डेबिट हुई नहीं है हर जगह पे वो क्रेडिट हो रही है इसलिए वहां पर कोई फिगर नहीं है ठीक है और जो सेल्स रिटर्न है उसमें भी ऐसा ही है कि डेबिट साइड पे ही फिगर है क्रेडिट साइड पे कोई फिगर नहीं है इसलिए वो एमपटी है वो जीरो हो जाता है जिसपे कोई फिगर ना हो मोहम्मद उमर बिन इमरान रेफरेंस दिया हुआ है ड्राइंग्स में ठीक है वो अरेज हो गया था जब मैंने वो पेन यूज किया है शमरेज आप पेपर पैटर्न मैंने दिया था कि एम सी क्यूज सेवेंटी परसेंट जो है 70 मार्क्स के आपके एम सी क्यूज होने ठीक है पेपर में बाकी आपके टेन टेन मार्क्स के तीन क्वेश्चंस भी होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस जहाजेब कैपिटल अकाउंट जो है ना वो ऊपर जनरल एंट्रीज की हुई है उसमें सिर्फ कैपिटल जो है ना अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कहीं पर भी डेबिट नहीं हो रहा इसलिए जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखेंगे ठीक है हाँ जी आ, अजमर परचेजेस अकाउंट में आपने ड्राइंग्स क्यों लिखी हुई है देखें जब परचेजेज है ना उसमें जो लास्ट एंट्री है वो देखें क्या है सेवन्थ को के परचेजेज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रही है परचेजेज अकाउंट क्रेडिट जब हम परचेजेज का अकाउंट बनाएंगे तो परचेजेज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम ये अमाउंट लिखेंगे फोर हंड्रेड ठीक है ये जो फोर हंड्रेड हम अमाउंट उसमें लिखेंगे क्रेडिट साइड पे ठीक है इसमें क्या होगा ये तो हमने परचेजेज अकाउंट में लिख ली तो डेबिट रेफरेंस हम फिर ये वाला ड्रॉइंग्स वाला डेबिट रेफरेंस उसमें देंगे इसलिए ड्रॉइंग्स लिखी है परचेजेज में कि ऑनर जो है वो गुड्स लेके चला गया है तो गुड्स हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं परचेजेस के अकाउंट में ठीक तो है तो डिक्रीज हो गई हमारी परचेजेस इसलिए क्रेडिट हो रही है विनोद जो अकाउंट है ना इन सब का टोटल अभी नहीं करना अभी हम अलग-अलग से इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं अभी ये प्रैक्टिस कर लें दानियाल अकाउंट से सीवेबल का एक अकाउंट बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया आप बना लें उसमें कोई मसला नहीं है अच्छा सारे मैं आपका ये क्वेश्चन है कि जब हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो हम बैंक वालों को तो नहीं बताते कि हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे आप बैंक वालों को नहीं बताएंगे ठीक है आप बैंक की ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है आपने बिजनेस के में आपने अपने बैंक अकाउंट में से बिजनेस के बैंक अकाउंट में से कैश निकलवाई है ठीक है और आके बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपने वेजिज पे कर दी है तो अब उसमें क्या होगा कि बैंक को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पैसे निकलवा रहे हैं वेजिस देनी है या हमने फ्लां पेमेंट करनी है ठीक है वो आपके पास अपना रिकॉर्ड खुद होता है तो ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन होता है ये चीजें उमर सकीर नुमान मलिक की आपने ए एस लेवल की बुक लेनी है आप को मैंने कहा आप मुझे ई मेल कर दें जो मेरा ई मेल एड्रेस है तो मैं आपको उसके वो दे देता हूँ या मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपको बुक्स के वो दे दूँ फ्रंट टाइटल पेजेस कौन से आपने लेनी है क्योंकि बुक्स जो हैं वो मार्केट में नुमान मलिक की वो आर्टिकल नंबर्स वगैरह के हिसाब से टाइटल पेज दूंगा उसी के हिसाब से परचेज करनी है अदरवाइज वो डिफरेंट आप परचेज कर लेंगे मोहम्मद उमर ड्राइंग्स से मैं रेफरेंस लिखे हुए मैंने ठीक है उमर जकी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर तक अपना ईमेल एड्रेस वगैरह ठीक है मोहम्मद अहमद आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा मेरे ईमेल एड्रेस पे मैं आपको देता हूँ फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा मोहम्मद अवैस परचेज इनवर्ड्स नहीं होती बल्कि आपकी जो होती है ना रिटर्न इनवर्ड्स होती हैं रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर को चीज सेल की जब आप सेल करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स बाहर चली जाती है उन्हें आउटवर्ड्स बाहर जा रही हैं ठीक है जब वो कस्टमर किसी रीजन की वजह से आपको गुड्स वापस कर देता है उन्हें हम कहते हैं सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न इनवर्ड्स ठीक है तो अगर आप गुड्स परचेज कर लेते हैं और आप वापस कर देते हैं तो उसे आप कहते हैं कि ये रिटर्न आउटवर्ड्स हैं आपने परचेज की थी और परचेजेस रिटर्न कर दी हैं मोहम्मद उस्मान खान पेपर होंगे आपके टेस्ट असेसमेंट्स वगैरह होंगे शमरेज अदर ओके गुड आपको अगर अच्छी तरह समझ आ रही है अली रजा आपने मुझे ऐड नहीं करना मैं आपको ऐड करूंगा ठीक है आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें बस Uh, हमजा वहीद हाँ जी लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो आपने कंप्यूटर पे ही करने उसमें क्या होगा कि आपके पास ना आपने सिर्फ वैल्यूज और फॉर्मेट बनाना होगा ठीक है जब वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्मेट में फर्स्ट पे कौन सी चीज रखनी है सेकेंड पे कौन सी थर्ड पे कौन सी एंड सो ऑन आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो करवाऊंगा आप लोगों को फलहन मैं तो वैसे लाहौर से हूँ लाहौर में ही हूँ उमर अबासी हाँ जी आप पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे फिर आपने लेजर्स बनाने ठीक है अभी आप बेसिक लेवल पे ही उसको लेके चलेंगे ठीक है अब्दुल असीफ जब लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आएगी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कौन से क्वेश्चंस करने ठीक है अभी बेसिक्स पे हैं अभी बेसिक्स तो करें Uh, अभी कोई फिजिकल क्लासेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्म कर देगी इसलिए आप टेंशन ना लें जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो क्लासेस चल रही हैं आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ें ठीक है uh, उस्मान गनी लेजर्स के बाद आगे ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आप पढ़ाऊंगा मैं मोहम्मद उस्मान फिलहाल तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ ठीक है लेजर्स <laughs> के बाद उस्मान गनी जो होता है ना हमारे पास लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस होता है ठीक है ये नॉमिनल लेजर्स वगैरह अभी बताऊंगा अभी आप इन चीजों में ना पढ़ें अभी इसकी कैटेगराइजेशन मैंने आपको करवानी है ठीक है आ, हेरा इफ्तार ये आपने ओ लेवल की बुक नहीं लेनी ए एस लेवल की लेनी है ठीक है उसके ऊपर लिखा होता है ए एस लेवल और आपने आर्टिकल नंबर 105 लिया है इसको चेंज करें ठीक है वो आर्टिकल नंबर 115 है ठीक है आप मुझे आ, उस पर मैंने जो गूगल क्लास रूम है उसमें भी ऐड किए हुए हैं बुक्स की पिक्स ऐड की हुई हैं तो व्हाट्सएप कर दे मैं आपको वहाँ से आपको बता देता हूँ आपने वो वाले आर्टिकल देने ये चेंज कर लें ओ लेवल की नहीं यूज़ करनी अली मैं ही पढ़ा रहा हूँ यार क्या हो गया विनोद आपके पास अकाउंटिंग की कैप्लान की बुक है वो कैप्लान की बुक आप जो है ना वो देख लें अभी जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ उसमें से करें ताकि आप मेरे साथ चलें आप अपनी डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होंगी कि क्लास डिफरेंट चल रही है और आप डिफरेंट चल रहे हैं ठीक है अच्छा इसमें ना देखें जो हमने क्वेश्चन किए थे स्टार्ट में ना ठीक है उसमें ये वाले जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3.3 भी कर लिया 3.4 भी कर लिया इसके जर्नल एंट्रीज और लेजर्स बना लिए ट्रायल बैलेंस जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगा ठीक है और फिर उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाना सिखाऊंगा अभी आपने जस्ट लेजर्स की प्रैक्टिस करनी है कि लेजर्स आपने कैसे बनाने इतना काफी आपके लिए फिर हम आगे फर्दर लेके चलेंगे जब आपकी ग्रिप हो जाएगी एक चीज पे तो फिर फर्दर उसको लेके चलना इजी हो जाएगा तो जंप ना करें और उसके बाद यहाँ यहां पर ना हसन जावेद अगर आपने मुझे ईमेल कर दिया तो मैं आपको ऐड कर देता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वो मुझे ईमेल वगैरह करनी है तो मैं उनके लिए इसमें कर देता हूं यहाँ ईमेल लिख रहा हूं दोबारा से जो मैंने पहले भी कई दफ़ा लिखी है जलील सी एम ए थ्री थ्री नाइन वन at the rate of जी मेल डॉट ठीक है और कॉन्टेक्ट नंबर है ज़ीरो थ्री वन टू फोर थ्री ज़ीरो सेवन थ्री सेवन थ्री ठीक है अच्छा उसमें ना जो अभी मैं असाइनमेंट कुछ ऐड कर दे कर दूंगा उसमें गूगल क्लास में आप लोगों ने वो असाइनमेंट जो है वो करनी है उसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है उसके लेजर्स भी बनाने हैं ठीक है असाइनमेंट जो है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर तक ना शाम तक कर दूंगा ऐड ठीक है आप लोगों ने उसको चेक कर देना टू गूगल क्लासरूम ठीक है आपने वहां से उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना उसका बाद में सॉल्यूशन भी मैं ऐड कर दूंगा और आप उसको कंपेयर भी कर लेंगे इजी हो जाएगा आपके लिए ठीक है और और कोई क्वेश्चन है इससे लेजर से रिलेटेड तो पूछ लें ठीक है मोहम्मद तहमा अहमर मैंने आपको कहा था कि गूगल क्लास रूम की जो फर्स्ट जो क्लास थी उसमें मैंने ऐड की हुई है आ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे इस नंबर पे तो मैं आपको वो उसके टाइटल पेजेस भेज दूँगा आपने वो वाली बुक्स परचेज करनी है आ, उस्मान मोहम्मद उस्मान खान आ, उस्मान मोहम्मद खान ठीक है असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा आज आपको नोटिफिकेशन ई में आ जाएगा जब मैं क्ला, गूगल क्लास में असाइनमेंट ऐड करूंगा ठीक है तो आपने वो असाइनमेंट करनी है मदीया थैंक यू और इंटेंजिबल एसेट्स बता दे सैयद मोहम्मद उस्मान गनी इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती ठीक है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जैसे कि कुछ बिजनेसेस होते हैं उन्होंने कोई राइट्स लिए होते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के राइट्स होते हैं उसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन वो उसको एसेट कंसीडर कर रहे होते हैं सिमिलरली जो बिजनेसिस होते हैं जैसे बिजनेस की एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट है कस्टमर बहुत ज्यादा है तो वो बिजनेसिस क्या करते हैं अपनी गुडविल बना लेते हैं वो जो गुडविल होती है उसको भी हम कहते हैं कि वो भी इनटेंजेबल एसेट है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती ठीक है अच्छा अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं ठीक है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा बाकी मैं असाइनमेंट वगैरह ऐड कर दूँगा आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है ठीक है हम नेक्स्ट क्लास में इन मिलते हैं ओके टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़